अब सेक्रेट फॉरेस्ट एंड लेक्स, देखो प्रोटेक्शन के लिए ये आपको जो है दिया भी गया है, आपकी एनसीईआरटी भी मेंशनड है व्हाट आर सेक्रेट फॉरेस्ट लेक्स एंड और सेक्रेट ग्रूव्स। क्या होते हैं सेक्रेट ग्रूव्स? ये पैचेस हैं फॉरेस्ट के, दीज आर पैचेस ऑफ फॉरेस्ट। विच आर प्लेसेस ऑफ वर्शिप फॉर मैनी ट्राइबल कम्युनिटीज। सेक्रेट ग्रूव या सेक्रेट फॉरेस्ट, पूरे फॉरेस्ट के लिए टर्म यूज नहीं होती है। सेक्रेट फॉरेस्ट एक एरिया है फॉरेस्ट का, एक पैच है फॉरेस्ट का, जिसको जो है वहां की जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो वर्शिप करती हैं। वर्शिप करने का मीनिंग है उनको अनडिस्टर्ब रखा जाता है, किसी भी वे में वहां पे कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं होती है, ना ही किलिंग की फॉर्म में, ना ही इवन जो डिफोरेस्टेशन की फॉर्म में। दोनों फॉर्म में जो है उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, मीन ना ही वहां पे एनिमल्स की किलिंग की जाती है और ना ही वहां प्लांट्स को जो है काटा जाता है, क्योंकि जो वहां की ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो उनको सेक्रेड प्लेसेस मान के चलती है, तो इसलिए वो उनको क्या कहते हैं, दीज आर आइलैंड्स ऑफ प्रिस्टीन फॉरेस्ट। दीज आर बेसिकली आइलैंड्स। आइलैंड्स मीन बीच बीच में, फॉरेस्ट के बीच बीच में वो प्लेसेस हैं जिनको वो वर्शिप करते हैं। जैसे ऐसे बहुत सारे गुजरात के ऐसे फॉरेस्ट हैं जहाँ पे जो है इनको लायंस को जो है वर्शिप किया जाता है, वहां पे लायंस की पोचिंग नहीं होती है। तो बहुत सारे इंडिया की ऐसी स्टेट्स हैं, लाइक कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, केरला है, तो यहाँ पे इवन मेघालय, मेघालय में तो बहुत ही ज्यादा है। यहाँ ये ऐसी स्टेट्स हैं जहां में, जहाँ के जो फॉरेस्ट है वहां पे बहुत सारी ट्राइबल्स कम्युनिटी रहती हैं, और वो क्या करती हैं कि वहां के फॉरेस्ट के बहुत सारे पैचेस हैं जिनको उन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ है। मेघालय का तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है, मेघालय की जो है सेक्रेट ग्रूव्स का, दैट इज हिल्स हैं, इनके नाम आपने सुने होंगे, जयंतिया एंड खासी हिल्स। ये इनके सेक्रेट ग्रूव्स हैं जहां पे नॉट अ सिंगल ब्रांच इज अलाउड टू बी कट, एक सिंगल ब्रांच को भी कट नहीं करने दिया जाता। जैसे भी वो फ्लोरिश होना चाहे वैसे वो फ्लोरिश हो जाए, तो वहां पे बिल्कुल भी जो है प्लांट्स को और एनिमल्स को हर्ट नहीं करने दिया जाता, उनकी किलिंग नहीं होती है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी हमारी जो है अरावली हिल्स है, उसके बहुत सारे पैचेस हैं जिनको सेक्रेट ग्रूव्स जो है माना जाता है। इसके अलावा बहुत सारी वाटर बॉडीज भी हैं सिक्किम के अंदर, लेक्स हैं जिनको सेक्रेट माना जाता है, और वहां के जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जैसे हमने यहाँ पे लेक्स की बात की थी, तो लेक्स बहुत सारी हैं, एग्जाम्पल सिक्किम में है, तो वहां पे क्या करते हैं, उस लेक के अंदर जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं या एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको वो सेक्रेट मानते हैं, उनकी वर्शिप करते हैं, उनको जो है वो प्रिजर्व करके रखते हैं। तो बहुत बड़ा रोल माना जाता है इन सेक्रेट फॉरेस्ट का, क्योंकि इन्हीं की वजह से बहुत सारी हमारी ऐसी स्पीशीज हैं जिनका नंबर बाकी रीजन्स में कम हो चुका है, लेकिन इन रीजन्स में उनको ट्राइबल्स ने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से वो जो स्पीशीज हैं वो एक्सटिंक्ट नहीं हुई हैं। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ सेक्रेट फॉरेस्ट एंड से और सेक्रेट ग्रूव्स। आपको सेक्रेट फॉरेस्ट का पॉइंट क्लियर हुआ बच्चे कि किसको कहते हैं सेक्रेट फॉरेस्ट एंड सेक्रेट ग्रूव? यस यस मैम, मैम। यस मैम। हाँ,
तो यहाँ पे बहुत सारी आपको एग्जाम्पल, अगर आप 12th की भी एनसीईआरटी आप ओपन करके देखेंगे तो वहां पे आपको इन हिल्स के बहुत सारी अलग अलग स्टेट्स के नाम भी दिए होंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ पे जयंतिया और खासी बताया, राजस्थान का अरावली बताया, तो अलग अलग स्टेट्स के उन्होंने कुछ नाम भी आपको वहां पे दिए हुए हैं, जिनको जो है जो इन स्पीशीज की प्रोटेक्शन में बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये तो आपका था। अब हम लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। आज हमारे लास्ट टॉपिक कौन सा है? हमारा लास्ट है आज पॉल्यूशन। कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ कोयल एंड पेट्रोलियम बेस्ड फ्यूल्स। किस तरह से पॉल्यूशन होता है जब कोयल और पेट्रोलियम, आपको पता है कोयल और पेट्रोलियम बेसिकली किससे बने हुए हैं? इनका जो किससे बने हैं, ये एनिमल्स एंड प्लांट बायोमास, इनसे बने हुए हैं ये। तो इसलिए इनके उनके जो कॉम्पोजिशन है वो क्या क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है। ये इनकी कंपोजिशन होती है। फॉसिल फ्यूल्स की बात हम करें, नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो जब भी ये फॉसिल फ्यूल बर्न होते हैं तो उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं? तो जब भी बर्निंग होती है, दीज आर बर्निंग प्रोडक्ट्स, दीज आर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर वेपर फॉर्म में भी रिलीज होता है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, इनकी फॉर्मेशन होती है। लेकिन ये तो बर्निंग प्रोडक्ट्स है। अगर अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर इनकम्प्लीट बर्निंग होती है तो इस केस में क्या बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अगर हम सिर्फ दो की बात करें, CO2 की बात करें, इसका भी लेवल ज्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लमेटिक है। वाटर की बात करें, कोई हार्म, ये दोनों इतना ज्यादा हार्म कॉज नहीं कर रहे जितना ज्यादा ये तीन करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या हार्म करता है? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। तो ऑक्साइड्स ऑफ जो सल्फर हैं, दे अटैक लंग्स कॉजिंग ब्रोंकाइटिस एंड अदर डिजीजेस। तो ये क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स या ब्रोंकाई जो है लंग्स में, उनकी इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं और बहुत सारी अदर डिजीजेस जो है रेस्पिरेटरी डिजीजेस कॉज करते हैं। एक तो ये दिक्कत है इनके साथ, फर्स्ट। दूसरा पॉइंट यहां पे आता है, यहां पे सेकंड पॉइंट की हम बात करें तो सेकंड पॉइंट क्या है यहां पे? आपको पता है जब ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर जब ये वाटर के साथ, रेन वाटर के साथ ऐड हो जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम कॉज करते हैं ये, आप बताएंगे? एसिड रेन, एसिड रेन, तो ये एसिड रेन करते हैं। एसिड रेन की फॉर्मेशन होती है, एसिड रेन आपको पता है बहुत सारे जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, बिल्डिंग्स हैं, मेटल स्ट्रक्चर्स हैं, उन सबको हार्म करती है एसिड रेन। इसके अलावा सेम जो दूसरा हमने बताया, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, पहला तो आपको ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, अब आ जाता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन।
तो जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं वो भी हमारे ब्रीदिंग सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, सेम जैसे सल्फर के करते हैं। तो हमारा जो है यहाँ पे भी क्या है, ब्रीदिंग सिस्टम जो है अफेक्ट होता है सेम, और साथ में ही ये भी एसिड रेन कॉज करते हैं दोनों मिलके, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है दोनों मिलके एसिड रेन कॉज करते हैं, और दोनों ही हमारे ब्रीदिंग सिस्टम को भी अफेक्ट करते हैं। एक तीसरा जो मैंने अभी आपको बताया कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन जो मोनोऑक्साइड है उसका तो आपको कल ही मैंने बता दिया था कि ये क्या करती है, जो है ये बहुत ही पॉइजनस गैस है। तो ये क्या करती है, इट कॉज सफोकेशन व्हेन बाउंड टू हीमोग्लोबिन, ठीक है। जब ये बाउंड करेगी हीमोग्लोबिन के साथ तो क्या बनेगा, उसको क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी तो उसे क्या कहा जाता है, कार्बोक्सिली हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी, गुड, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि क्या दिक्कत करेगी, ये हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ बाउंड जो है बाउंड नहीं होने देगी, और उसके साथ बाइंड नहीं होगा हीमोग्लोबिन तो हमारी जो बॉडी है उसमें ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाएगी, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। अब लास्ट आ जाता है आपका CO2 हालांकि एक पॉइजनस नहीं है, कोई टॉक्सिक गैस नहीं है, लेकिन ये भी अगर ज्यादा अमाउंट में हो जाएगी तो क्या दिक्कत करेगी, सफोकेशन, और एनवायरमेंटल के बेसिस पे करें हम बात तो हम ग्लोबल वार्मिंग, दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। हाँ गुड, ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है डायरेक्टली किसको लीड करेगा, ग्लोबल वार्मिंग को, ठीक है। इट मींस जो है बहुत बड़ा पॉल्यूशन भी हो रहा है, बर्निंग ऑफ जो है कोयल और पेट्रोलियम से, तो इससे बचने के लिए हालांकि हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं ताकि जब भी पेट्रोलियम का यूज किया जाए तो उसके साथ जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उसमें कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगाए जाते हैं, हमारे व्हीकल्स में जो है कैटालिटिक कन्वर्टर्स होते हैं, ये कैटालिटिक कन्वर्टर क्या कर देते हैं, जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर है इनकी फॉर्मेशन नहीं होने देते हैं, और जो ये गैसेस है एसिडिस सेम फॉर्म में ये जो है एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती हैं, तो इनहिबिट पोल्यूशन, इनहिबिट फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, और इसके अलावा तो क्या है, जिसकी वजह से जो है ये पॉल्यूशन से बचा लेते हैं, लेकिन फिर भी बहुत लार्ज अमाउंट में जो है CO2 भी अगर रिलीज होगी तो वो भी पॉल्यूशन कॉज करेगी। अब एक लास्ट पॉइंट अब आपको बता रही हूं मैं यहाँ पे, दैट इज कंजर्वेशन में है, आप मुझे एक ही पॉइंट में यहाँ पे डिस्कस करूंगी, दैट इज